नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ बहुत ही अलग तरह की एक ऐसी चीज जिसको आपने थंबनेल में देखा होगा। मैंने यहाँ बाजरे के आटे से सूजी बनाकर तैयार की है और ये बिल्कुल परफेक्ट सूजी बनकर तैयार हुई है बाजरे के आटे की। आपने आटे के लड्डू तो बहुत खाए होंगे बाजरे के, पर बाजरे की सूजी आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। और इस बनी हुई सूजी के जो लड्डू बनते हैं, आप इसका हलवा बना सकते हो, पोहा बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैं आपको यहाँ फ़र्क दिखा रही हूँ। ये है आटा, आप इसको देख लीजिए, ये बाजरे का चिकना आटा है। और यहाँ पर मैंने जो सूजी तैयार की है वो आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। तो मैं आपको अपने हाथ में दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए देरी ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये आटे से बाजरे के सूजी कैसे तैयार की है। और अगर आपको ये मेरी टेक्निक पसंद आती है, तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और एक बार आप इसको बनाकर ज़रूर देखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, देख सकते हैं आप। और अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मैं अपनी किचन में जो भी बनाती हूँ वो आपकी किचन तक पहुँच जाए। और हर किसी की किचन का जायका तो अलग होता ही है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं आटे से ये दानेदार सूजी। तो चलिए, जैसा आपने हेडिंग में पढ़ा है मेरे वीडियो के कि मैं बाजरे के आटे से रवा बनाऊंगी यानी कि सूजी, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी परात ली है और उसमें ले रही हूँ मैं ये बाजरे का आटा। यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा ले लिया है। और जब भी हम ये सूजी बनाते हैं ना, तो इसको थोड़े से बड़े बर्तन में ही लीजिए। और अब ले रही हूँ मैं साइड में पानी, ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी है। और आप देखिए, आपको YouTube पे किसी ने भी ये नहीं बताया होगा आज से पहले कि आटे से भी रवा बना सकते हैं। आटे के लड्डू तो आपने कई बार खाए होंगे बाजरे के आटे के, पर आपने रवा आज से पहले कभी ना बनाया होगा और ना ही इसके लड्डू खाए होंगे। तो मैंने सादा पानी लिया हाथ में और अब हम इस हाथ से इसी तरह से इस आटे को इस तरह से मलेंगे, यानी कि माड़ना नहीं है, हमें सूखा आटा रखना है। पर इस तरह से दोनों हाथों की सहायता से इसमें हमें हल्की हल्की सी गुठलियां बनानी हैं। ना तो ये आटा गीला होगा और ना ही सूखा होगा, इस तरह का हमें करना है। ये देखिए, इस तरह से हो गया। अब हम इसको हाथों की सहायता से मलेंगे, दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से, और जो गुठलियां पड़ी हैं उनको अच्छे से हमें मिक्स करते जाना है। और अभी मैं थोड़ा सा पानी और मिलाऊंगी इसमें, आप पानी का किंचा लगाइए बस, इस तरह से आटे में किंचा लगाएंगे और जो भी इसमें गुठलियां पड़ रही हैं उनको हमें एक सा करके इस तरह से फिर से एक सा कर लेना है। और यकीन मानिए, ये बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होता है जैसे नॉर्मल सूजी होती है ना, वाइट वाली, उसी तरह का ये बन जाता है। तो अभी और इसमें किंचा लगाऊंगी मैं पानी का। हाथों से आप जितना अच्छे से मलेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो मैं आगे करूँगी वो आप देखिएगा ध्यान से, इसको कोई भी बना सकता है, बस आसान सी ट्रिक है। लीजिए, इसको मैंने इतना मल दिया है, आप पास से देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर लूँगी ये दूसरी प्लेट, ठीक है, यहाँ पर मैंने प्लेट ले ली। और जो ये मला हुआ आटा है बाजरे का, उसको हम यहाँ पर छन्नी की सहायता से नीचे छानेंगे। और जो मोटा पार्ट रह जाएगा उसको हमें दोबारा से उसी तरकीब से फिर से करना है पानी डालकर।
और ये मैं आपको अभी पास से दिखा दूंगी। लीजिए यहां पर ये इतना मैंने छान लिया है और अब मैं आपको पास से दिखाती हूं। आप जो दूर हिस्से पड़े हुए हैं वो देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल सूजी जैसा हो गया है। और इसको जब फ्राई कर देते हैं, हम कल्हाड़ देते हैं मतलब, तो फिर ये बिल्कुल सूजी जैसी हो जाती है। ये देखिए ये आटा नहीं है, ये सूजी है। और इसी का मैं आटा आपको दिखा देती हूँ दूसरी प्लेट में। यहाँ पर ये जो तसले का सामान है यहाँ हम रख देंगे और ये ली मैंने दूसरी प्लेट। ये देखिए आप, मैंने दूर के हिस्से में इसलिए डाला है ताकि आपको ये समझ में आए कि ये बिल्कुल रवा बन गया है। और ये रहा आटा, तो इसको मैं आपको डाल के दिखाती हूँ दूसरे बर्तन में। अंतर आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये है जो हमने सूजी बनाई है और ये है आटा। देख सकते हैं आप, आटा एकदम चिकना है। आप आटे को ऐसे फैलाएंगे, देखिए आटा बिल्कुल चिकना है। और ये है सूजी, तो सूजी का कलर भी उस तरह से चेंज हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर साइड के हिस्से में मैं डालती हूँ, आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसको जब रोस्ट करूँगी तब देखिएगा बिल्कुल आपको अलग अलग दिखाई देगी। आपको अंतर अभी समझ में आ रहा होगा, ये रहा सूजी और ये रहा आटा। बाजरे की सूजी बनकर तैयार है। मैं बाकी की भी तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर इसको रोस्ट करूँगी और आपको दिखाऊँगी। इसको हम साइड में रख लेंगे और जो बचा हुआ है इसको फिर से आप इस तरह से डाल दीजिए और हल्का हल्का पानी का किंचा लगाएंगे हम। और फिर से उसी तरह से हाथों की सहायता से आप इसको मलिए। मेरी गारंटी है, आप अगर इसको इस तरह से बनाएंगे तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने बनाई तो आपकी भी ये बाजरे की सूजी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। बस इस तरह से इस हल्के गीले आटे को हमें सूखा करना होता है हाथों की सहायता से। और बस फिर हम इसको जब छन्नी से नीचे छानेंगे तो ये परफेक्ट सूजी बनकर तैयार होती है। और फिर आप उस सूजी के लड्डू बनाइए, कोई भी नहीं कहेगा कि आपने ये बाजरे की सूजी बनाकर तैयार की है, फिर ये बनाया है। आटे के लड्डू आपने बहुत बार खाए होंगे, एक बार इस तरह से सूजी के लड्डू बनाकर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर मैंने ये सारी सूजी इस तरह से बनाकर रख ली है बाजरे के आटे से। और यहाँ पर ये थोड़ी सी छानन बची है, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा सूख जाने दीजिए और उसके बाद फिर से हाथों से आप इसको रगड़ेंगे, इसी तरह से सूजी बनकर तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं पहले आपको इसे रोस्ट करके दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है और पैन में मैं यहाँ पर घी तेल कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ और डाल देंगे हमने ये जो सूजी बनाई है बाजरे के आटे से। इसको इसी तरह से रोस्ट कीजिए धीमी आंच पर, जैसे नॉर्मल हम रवा भूनते हैं उसी तरह से आप इसको भून लीजिए। और ये बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार होती है। आप इसका हलवा बना सकते हो, पोहा बना सकते हो और लड्डू तो बहुत ही अच्छे बनते हैं इसके। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको धीमी धीमी आंच पर अच्छे से लगभग 8 से 9 मिनट तक सेका है। और लीजिए हमारी सूजी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैं आपको प्लेट में डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं पास से, बिल्कुल परफेक्ट सूजी बनकर तैयार हो गई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आटे और सूजी का फर्क। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये सूजी तैयार कर ली है और इसको करीब से दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, और ये है हमारा बाजरे का आटा।